हाय फ्रेंड्स मैं हूं माने वेलकम टू मूवी शोवी दोस्तों जब कभी मैं कोई चीज शुरू करता हूं ना तो कोशिश करता हूं उसको मैं खत्म कर लूं तो मैं बुबा फेट के फर्स्ट टू एपिसोड देखे और तीसरा ना बिल्कुल देखने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करा था कि बिल्कुल बचकाना है यार मेरे को लगा मतलब सेवन ईयर ओल्ड की तरह मुझे ये लगा क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट है ना कई बार आप देखते हो कि एनिमेशन भी देखते हो कार्टून भी देखते हो उसके अंदर कुछ सेंस ऑफ मेचोरिटी होती है मतलब कुछ अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर मुझे पता नहीं है मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल जिस तरीके का ट्रीटमेंट है बोबा फिट मैं महान मैं महान और सबसे चपेड़े खाता है यार मतलब <laughs> सारी तो सही अलग ऐसा कोई नहीं होगा जिससे जैसे चपेड़े नहीं खाई हाँ हो और ज़बरदस्ती का हीरो है ये मतलब दो कहानी पैरेलल चल रही हैं यहाँ पर अब थर्ड एपिसोड के अंदर भी मुझे अब शुरू कर दिया तो, तो देखना पड़ा बीस बाईस मिनट का एपिसोड है उसके अंदर एक वो टाटुविन की कहानी चल रही है जहाँ पर ये अब सो so कॉल्ड उसका क्लेम कर रहा है और ट्विन से लेके हर कोई बंदा इसको मारने में लगा हुआ और ये अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है किसी तरीके से ये बोलता है मैंने अपने को डिफेंड कर लिया बट आप ट्रू सेंस में आप जब देखोगे तो उसकी हर बारी चौप ही होती है दुनिया बचा रही होती है या फिर ये मारी खा रहा होता है फिर दूसरी साइड पर आप देखते हो कि जो टस्कन रेडर्स जब ये स्लीप के अंदर चला जाता है टस्कन रेडर्स के साथ है वहाँ पर वो कबीला टाइप्स है वहाँ पर इसकी रिकग्नीशन बहुत अच्छी हो गई है अब क्यों हो गई है क्योंकि इसने वहाँ पर कुछ लोगों को बचा लिया था अब उनके काफी इंपॉर्टेंट उसको चीज मिल गई उसको एक वेपन भी मिल जाता है अब सीजन जो एपिसोड थ्री उसमें देखा जाता है कि वो इतना ज्यादा उनके प्रो हो जाते हैं और टस्कन इतने ज्यादा प्रो बोबा बोबाफेट हो जाते हैं कि उनके बिहाफ पे वो जो क्लेम्स होते हैं एरिया की जिसे कहते हैं ना वीकली जो वो कलेक्ट करते हैं क्या बोलते हैं उसको इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना मुझे शब्द ही नहीं आ रहे हैं इसके लिए Uh, हफ्ता हफ्ता टाइप के मतलब वहाँ से सैंड से क्रॉस करोगे तो आपको मिलेंगे मतलब इतना बेकार है यार मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेटिंग सा था ये बिल्कुल ही वो लेने चला जाता जा है कबीला बिल्कुल ही तहस नहस हो जाता है ये फिर अपने पॉड के अंदर सो जाता है फिर पता नहीं क्या हो रहा है मतलब इतनी अजीब सी कहानी है इतने स्लो पेस पे चल रही है कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा मतलब सोनी ने अपने पूरे पैसे इसके ऊपर बर्बाद करें प्रोडक्शन में काफ़ी पैसा खर्च हुआ है ऐसी बात नहीं है कि नहीं खर्च हुआ है चाहे वो बड़े बड़े सेट्स ले लो जो टाटुइन का पूरा सेट बनाया गया है चाहे डेजर्ट में जाके शूटिंग का हो गया चाहे वो उनके स्कूटर्स हो गए जो हाथ आधे हवा में उड़ के चलते हैं गाड़ियाँ हवा में चलती हैं वो सब कुछ ठीक है काफ़ी पैसा खर्च हुआ है इसके ऊपर कॉस्ट्यूम बहुत एलैबोरेट हैं बट द सेम टाइम ना मतलब कहानी के अंदर दम नहीं आ रहा है मेरे को ये से ये प्रॉब्लम है कि बोबा फेट के ऊपर अपने सारी रेस्ट करी है जैसे मैं किसी सीरीज का नाम रखूँ एरो ग्रीन एरो सुपरमैन मैं बैटमैन बोलूँ तो मुझे उसकी कहानी दिखनी है मुझे देखना है कि इसको ग्रेट क्या बनाता है और क्यों उससे लोग ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं अभी तक तीन एपिसोड निकल गए भाई मुझे तो बोबा फेट मतलब एक सी लग रहा है पता नहीं क्या बेकार बनाया मतलब मैं, मतलब बिल्कुल पता नहीं मैं आगे के एपिसोड देखूंगा नहीं देखूंगा अभी बिल्कुल ही बेकार लगा है यार माइनस डेड वाला स्कोर अभी है इसके लिए ठीक है बाय बाय